अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो फिर क्या है? अभी तक हम बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वर एक इल्यूजन है, ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो क्या है? आज थोड़ा सा इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट एक हेल्प है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, हम साथ साथ क्योंकि इस चीज को इंक्वायर कर रहे हैं। ना मैं जानता कि ऑब्जर्वर अगर नहीं है तो फिर क्या है, ना ही आप अभी जानते, शायद आप में से क्या पता लोग जानते हो, लेकिन पर्सनली मैं नहीं जानता कि ऑब्जर्वर अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो क्या है फिर। तो आज हम इस चीज पर बात करते हैं और शायद आज हम बियॉन्ड कृष्णमूर्ति जा पाए। बियॉन्ड कृष्णमूर्ति का मतलब समझते हैं आप कि कृष्णमूर्ति ने अपनी पूरी कोशिश की और उन्होंने काफी सारे लोगों की मदद की, काफी सारे लोगों को उन्होंने एनलाइटन किया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन लेकिन उनका एक जो सपना था ना, एक जो ड्रीम था कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को एक एक तरह से एक रेडिकल चेंज जो लेकर आना चाहते थे, वो इफेक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं उसको पूरा करना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने उन्होंने ऑब्जर्वर तक की बात की। आई एम हेयर टू रिकॉर्ड दी व्हाट इज इवन बियॉन्ड दी ऑब्जर्वर, मतलब जब ऑब्जर्वर भी नहीं है तो क्या है, हम बात कर रहे हैं इस चीज की। और यस, ये सीरियस लोगों के लिए है और ये कोई एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, यहां पर इसको मजाक भी ना लें। सीरियस का मतलब यहां पर ये यह है कि आप प्रेजेंट में रहकर इसको समझें। सीरियस का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम आंखें गड़ाकर बैठ गए और गुस्से में आपने शक्ल कर दी और एक चीज को पकड़ के बैठ गए, नहीं। सीरियस का मतलब है फ्री होकर एकदम। ऑब्जर्वर का मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑब्जर्वर क्या है। ऑब्जर्वर एक विचार है, एक थॉट है, मेमोरी है, और ये मेमोरी हमें अपने होने का एहसास कराती है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, या मैं कुछ बनूंगा, मैं मेरे साथ कुछ पास्ट में हुआ था, वट एवर आई एम, मैं इस टाइम पर जो कुछ भी हूं वो अपनी मेमोरी की वजह से हूं। और ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी का रिस्पॉन्स क्या है? विचार, थॉट। और हम इनको अलग भी क्यों कहे, मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस और थॉट, ये सब कुछ मिलाकर हमारा मैं बनाता है, हमारा आई बनाता है, हमारे हमारे अंदर का ईगो बनाता है, जिससे हम अपने आप को डूअर समझते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन ये जो मैं है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो हमारा लिया गया मैं है, ये हमने दुनिया से सीखा है। जो बायोलॉजिकल लेवल पर, जैविक लेवल पर हमारे अंदर ये मैं कैसे आया कि जब सारी सेल्स, सारी कोशिकाएं, जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, यानी कि जब हम माता के गर्भ में थे, तो एक 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 सिंगल गोल को पाने के लिए कलेक्टिवली काम करते थे, वो एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है। तो वो इंटेलिजेंस से हमारे अंदर वो चीज हमारे अंदर इनहेरिटेड थी ऑलरेडी और आ गई कि मैं कुछ हूं, तो हम उस हिसाब से अपने आप को समझने लगे। अब ये जो आई है, ये जो मैं है, ये जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, कृष्णमूर्ति का यही सारा का सारा रोल था आपको विचारों से बाहर करना, विचारों से बाहर आना। यस, थॉट से बाहर आना। और थॉट से बाहर आप प्रैक्टिस करके नहीं आ सकते, ये सिर्फ इनसाइट से पॉसिबल है। तो बियॉन्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के भी बाहर आइए, हम ऑब्जर्वर के बाहर चलते हैं और देखते हैं कि ऑब्जर्वर जैसी जैसी कोई चीज नहीं है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो फिर क्या है? इंटेलिजेंस है या फिर वो नथिंगनेस है जो सारा काम कर रही है? एक्चुअल में क्या है? हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को देखते हैं, आउटसाइड ऑब्जर्वर मतलब आंखें किसी भी चीज को जब देख रही हैं, आंखें जब किसी भी चीज को देखती हैं, वो ब्रेन हमारा उस चीज को कैच करता है
उसकी इमेज बनाता है। यहां पर ये सिलसिला चलता है, ये इमेज आगे और इमेजेस बनाती है बियॉन्ड थॉट जाने में। सबसे ज्यादा जो हमें परेशानी होती है वो इन इमेजेस की वजह से ही होती है। ये इमेजेस, ये चित्र हमारे आसपास पास चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अभी भी दौड़ रहे हैं। ये इमेजेस नकली हैं, हमें पता है, क्योंकि ये पास्ट है, विचार एक पास्ट है, डेड चीज है, जिसकी अभी में कोई जरूरत नहीं है। अभी इस वक्त अगर आपके अंदर कोई भी विचार आ रहा है वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि अभी आप इस चीज को समझ रहे हो, इस चीज को जान रहे हो जो मैं बता रहा हूं, या फिर मैं जो अभी कह रहा हूं और मेरे सामने कुछ भी विचार आ रहे हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं अभी कर रहा हूं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है और वही मेरे लिए रियलिटी है। तो जब आप इन सारे थॉट से, ये सारा जो आपके अंदर मेमोरी का कलेक्शन है, इस कलेक्शन को फील करते हुए, महसूस करते हुए, इस एक्यूमुलेशन को, इस जमावट को जो हमारे अंदर जमा हुआ है एज अ मेमोरी की फॉर्म में, जो थॉट से निकल कर आ रहा है, इस जमावड़े को रहकर को लेकर जब हम बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं और उस न्यूट्रलिटी में जब हम न्यूट्रल रहते हैं और उस न्यूट्रल को हम कोई नाम नहीं दे रहे हैं, कोई उसको फॉर्म नहीं दे रहे हैं, या हम उसको कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम बस इस चीज को अपने थॉट से, अपने विचारों से लॉजिकली ये देख चुके हैं कि विचार जो है वो लॉजिक पर जाकर भी एक लिमिटेशन क्रिएट कर देता है। यानी लॉजिक भी एक लिमिटेशन है, बिकॉज इट्स ऑल, ये थॉट से ही बना हुआ है, ये विचारों से ही बना हुआ है। अब हमारी मूवमेंट देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, सुनना जरा ध्यान से, कि पहले ब्रेन का फंक्शन थॉट बने, फिर थॉट पर हमने रिएक्ट किया, हम लॉजिक लगा रहे हैं, फिर अब हम लॉजिक भी नहीं लगा रहे, अब हम किसी चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, अब किसी एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट या बात के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम बिल्कुल शांत हो गए। और जब हम शांत हुए उस शांति में, जब हम पूरी तरह से थॉट के कंट्रोल में ना रहे हम, क्योंकि हमें पता है वो थॉट पर जो भी रिएक्ट करेंगे वो थॉट ही होगा, वो विचार ही होगा, यानी मैं थॉट पर कुछ करूंगा ही नहीं, मैं थॉट पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं थॉट को देख भी नहीं रहा हूं। यस, क्योंकि थॉट को जो देख रहा है वो भी आपके अंदर एक थॉट क्रिएट कर रहा है, वो भी फिर आप उसको देखोगे कि मैं थॉट को देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग थॉट। देन क्या है, आपके अंदर एम्प्टीनेस आ रही है, आपके अंदर खालीपन आ रहा है, उस खालीपन को भी आप ये नहीं कह रहे कि मैं इसे समझ गया हूं, आप उस खालीपन के साथ रह रहे हो, उसको एक्ट करने दे रहे हो, वो खालीपन भी एक्ट कर रहा है आपका। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन
फिर भी चीजें हो रही हैं। अब पूरी तरह से अननोन है लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। इट मींस तुम्हारे ऊपर का जो ऑब्जर्वर है, मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो क्या है, मैं उस चीज को नहीं जानता। आई एम नॉट गिविंग नेम इंटेलिजेंस, कुछ नहीं कह रहा, मैं उसे इनसाइट वगैरह कुछ नहीं कह रहा। मैं बस शांत हूं, आई एम जस्ट क्वाइट। जब मैं शांत हूं तो उस शांति में, उस शांति में, उस पीस में एक कंप्लीटनेस है, एक पूर्णता है, एक वननेस है। एंड दिस वननेस इज, देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको कोई नाम फॉर्म मत देना, क्योंकि जैसे ही एज यू गिव इट अ नेम, जैसे ही तुमने इसको नाम दिया तो फिर आप फिर एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। नाम देना मतलब इमेज दे देना, फॉर्म दे देना, तो थॉट दे देना, फिर वो थॉट, फिर थॉट, फिर थॉट, मतलब आप उस स्ट्रीम से पूरी तरह से बाहर आ गए हो, मैट्रिक्स से बाहर आ गए हो। मैट्रिक्स से बाहर आने का मतलब है कि अब आप, आपके लिए कुछ करना ना करना बिल्कुल जीरो हो गया, खत्म हो गया। और मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ सर्च नहीं कर रहे हो, यू आर इन दैट स्टेट। क्योंकि मैंने बोला था हम साथ साथ इंक्वायर कर रहे हैं, मेरा ये काम है, मैं करता रहूंगा, लेकिन आप एज अ सीकिंग, आपने सीकिंग बंद कर दी, मतलब मैं खोज रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं कुछ, ये सब आपने बंद कर दिया। फिर भी एक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आप समझ रहे हैं। बस बोलने का काम यहीं तक था, अब कुछ बोलने का काम नहीं रहा है। ये सिर्फ शब्दों पर ध्यान ना दे, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान ना दे, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, मतलब बोलने के अलावा भी कुछ हो रहा है। कुछ मैं नहीं कह रहा कि भाई कोई अंदर से शक्ति निकले, एनर्जी निकले, नहीं, बट देयर इज अ डायरेक्ट वॉचिंग कि आप अब शांत हो, बस खाली। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लास्ट में जो लोग परेशान हो रहे हैं अपनी लाइफ में, डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे हैं, और जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप को जानना चाहते हैं, सत्य को, मेडिटेशन को, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक्चुअल ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, जिनको लाइफ को जानना है, लाइफ क्या है एक्चुअल में, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी समझनी है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि आप लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा बेसिक चीज़ों का, ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, वो एम आई क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, बियॉन्ड थॉट कैसे जाया जाए। उसके बाद थ्योरी हो गई, 12 वीडियोज होगी थ्योरी की, उसके बाद प्रैक्टिकल मेडिटेशन, डेली एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो आपको मिलेगी लाइफ टाइम तक, हमेशा के लिए मिलती रहेगी।
आप सोचो क्यों नहीं आप इंप्रूव होगे, क्यों नहीं आप चीजों को जानोगे। और कमाल की बात, इसको सब अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसका वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना है 1000 रुपीज, सिर्फ एक बार ही 1000 रुपये पे करने हैं बस। इसमें किसी का घर नहीं जा रहा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और ये लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। तो जाओ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और व्हाट्सएप से मुझे कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू वेरी मच।